जीडीए के द्वारा रामगढ़ ताल के किनारे लगे रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर दर्शक दीर्घा बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया था कि रामगढ़ ताल के किनारे अच्छी रेलिंग लगाई जाए और ताल के किनारे लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाए, जिसको देखते हुए रेलिंग के बीच में 5 जगहों पर दर्शक दीर्घा बनाया जा रहा है, जो कि रेलिंग से ताल के बीच में 6 मीटर लंबा बनाया जा रहा है, जिसमें एक दीर्घा में एक साथ 21 लोग बैठ सकेंगे, जिससे लोग आराम से बैठकर रामगढ़ ताल को देख सकेंगे, वहां पर सेल्फी ले सकेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने कहा, देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि जो रामगढ़ ताल वाली रोड है उसमें एक सुंदर सी रेलिंग लगाया जाए, उसमें अच्छा ऑर्नामेंटल लाइट लगाया जाए, और साथ में उन्होंने निर्देशित किया था कि लोग उधर ऐसा हो कि थोड़ा बैठने बैठने का भी व्यवस्था हो, तो उसी को देखते हुए एक दर्शक दीर्घा व्यूइंग डेक जो होता है वो 5 जगह बनाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर व्यूइंग डेक वहाँ पर बनाया जाएगा, जहाँ पर लोग आराम से बैठ के वहाँ पे ताल को देख सकेंगे, या किसी को सेल्फी वगैरह लेना होगा तो सेल्फी वगैरह ले सकेंगे, वो सुरक्षित भी रहेगा और सुंदर भी रहेगा। तो उम्मीद है कि जिस तरह से रामगढ़ ताल में पर्यटन बढ़ता जा रहा है और ये सब जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं ये जब कंप्लीट होंगे तो और भी लोगों को लाभ मिलेगा।